तलाक की बातें चली हैं, 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ की बातें चली, तो क्या ये झूठा है फिर, ये अफवाह थी? मैं मुझे जहां तक जानकारी है जी, ये बात चल रही है 16 की, हाँ साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे ये पति पत्नी ही डिसाइड करेंगे। अभी तक क्या सूचना मिली है? जिस तरह से पवन सिंह की तरफ से तलाक का फाइल किया गया था, केस की को डिवोर्स चाहिए, ज्योति सिंह की तरफ से 10 करोड़ का डिमांड किया गया, तो उस मामला का क्या हुआ? नहीं दीवार वही ना, डिवोर्स फाइल किया गया है तो उसी पर बात होगा कि हो सकता है मुकदमा उठा ले, हो सकता है मुकदमा उठा ले, जो किया है तो भाई कोर्ट में यही ना होगा, साथ रहेंगे तो मुकदमा खत्म हो जाएगा, कोर्ट को लिखित दे दिया जाएगा। तो बातें चल रही हैं, मतलब कि दोनों लोग आपस में मिले हैं, बातें चल रही है कि समझौता होकर दोनों लोग एक साथ रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो आपस में करेंगे। अभी हम अभी मान लीजिए कि मिल रही है, बातें हो रहा है, हाँ तो जनता को भी लगेगा कि शुभ संकेत है, हमको भी लगेगा कि अच्छी बात है। ये तो पवन सिंह के माइंड के ऊपर काम करेगा जी। तो क्या ज्योति सिंह, ज्योति सिंह की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा था 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपया, ये 10 करोड़ डिमांड नहीं हो रहा था, ठीक ना? हाँ डिमांड किया गया था लास्ट अंतिम रूप से उनको डिमांड कोर्ट के सामने तय किया गया था कि 3 करोड़ और एक फ्लैट चाहिए। अच्छा, ज्योति सिंह की तरफ से जो मांगा गया था, तो क्या लगता है कि सर वो जो मांगा गया है उसके बाद अब सारी चीजें ठीक हो गई? अभी तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो देखेंगे कैसे दिखेगा तब समझ में आएगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। वकील सर, एक सवाल और है कि अंदर की खबर आप जानते हैं, हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, पवन सिंह के फैंस है या काफी लोग जानना चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो जाए, तो क्या मतलब कि एक हो जाएंगे, अंदर की खबर क्या है, थोड़ा सा आप क्लू दे दीजिए हमको सिर्फ। अंदर की खबर की समझौते वाली बात चल रही है ना, मैं बोल रहा हूँ कि समझौता की बात हो चुका है, वो मामला दोनों आदमी 13 तारीख को खुलेंगे। 13 तारीख को ये कहाँ कोर्ट में जाएगा मामला कि कहाँ, मतलब कोर्ट में कौन सा? नहीं कोर्ट में किया तो कोर्ट थोड़ी किसी घर का थोड़ी है कि आप घर आवाज समझा लिया मुकदमा पेंडिंग रहे। हाँ, कोर्ट में गवाही होगी दोनों लोगों की। तो कहाँ, बलिया कोर्ट की, ये आरा कोर्ट में? आरा कोर्ट में 13 तारीख की गवाही होगी और दोनों लोग साथ हो जाएंगे। हाँ साथ रहेंगे, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसमें लिखा जाएगा ना। अच्छा, दोनों जाने की गवाही होगी। अच्छा, गवाही होगी तो वो बताएंगे, रखते हैं तो हमारे लिए अति सुंदर होगा कि रिश्ता बना रहे, नहीं रखते हैं तो जो डिमांड है इस पैसे को लेन देन की उस पैसे पर विचार करेंगे। अच्छा, जो ये फोटो वायरल हो रहा है इसकी क्या सच्चाई है, क्या सच में ज्योति सिंह पवन सिंह मिले थे कि अफवाह है, क्योंकि पवन सिंह की तरफ से और ज्योति सिंह की तरफ से कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में? नहीं नहीं जैसे कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह फोटो ताजी है। मीटिंग हुआ था। हेलो, हाँ हाँ सर, मीटिंग बात हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं ज्योति सिंह और पवन सिंह नहीं बात करते हैं, करते हैं। उधर भी 10-15 दिन बात किए थे। अच्छा, तो किसी को पर्सनल बातें मुझे बताएंगे तब मैं बताऊंगा ना, पर्सनल बातें क्या होती है क्या नहीं होती है, मैं तो वकील हूँ चाहे रिश्तेदार हूँ, तो रिश्तेदार से हर चीज शेयर नहीं किया जाता है। हाँ मिले थे, बात हुई है, बात क्या हुई है ये पूरे स्पष्ट नहीं है, उनके वकील साहब यह कहा गया है सुलह हो गया है जी। मतलब 13 तारीख को निर्णय होगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर चांसेस ज्यादा है कि एक साथ ही रहेंगे। चांसेस है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हमारे जो दामाद है अगर सुधर जाए, जो भी काम है अपना करें। जी वकील सर, आपका कॉल को थोड़ा हम रिकॉर्ड किए हैं, दर्शक के बीच डालना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दे तो। क्या ये ऑडियो को हम डालना चाहते हैं दर्शकों के बीच, अगर आप अनुमति दे तो देख लीजिए ठीक जो भी ठीक ठीक और इंटरव्यू